अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे पता कैसा चले कि मेरी नमाज कबूल हो गई है कि नहीं। देखें, कबूल करने वाली ज़ात अल्लाह की है, और आमाल जो हैं अगर इतनी आसानी से पता चल जाए कि ये अमल कबूल हो गया और वो अमल कबूल हो गया, ये एक राज है जो मौत के बाद ही खुलेगा। अगर आमाल के कबूल और अदम कबूल का मालूम करना इतना आसान होता तो रियाकारों और बाकी लोग जो उल्टे सीधे चीज़ों में लगे हुए रहते हैं, इनकी इतनी कसरत ना होती। उलमाए कराम एक बात बयान करते हैं, वो कहते हैं कि भाई देखो, नेक अमाल की कबूलियत की अलामत में ये एक अलामत है कि एक दफ़ा नेक अमल करने के बाद दोबारा फिर वही अमल करने का जी चाहता है। वो एक इशारा देते हैं। अलबत्ता शरीयत ने कबूलियत अमाल का एक मयार और कसौटी बता दी है कि अमल करने वाला सहीउल अकीदा हो, अमल ऐन सुन्नत के मुताबिक हो और खुलूस पर मबनी हो, और अपने नेक आमाल को बर्बाद करने वाले गुनाहों से बचते हैं। अल्लाह ताला कबूलियत अता फरमाता है और अल्लाह से फजल की उम्मीद रखनी चाहिए। जहाँ तक नमाज का ताल्लुक है तो इसके अरकान, इसकी शरायत, इसके वाजिबात अच्छी तरीके से पूरे खुशू व खुजू के साथ अदा करें और अल्लाह ताला से हुस्न जन रखें और कबूलियत आमाल की दुआ करते रहें। बेशक अल्लाह ताला मुत्तकी लोगों के आमाल कबूल फरमाता है और मुहसिनीन के अजर को ज़ाया नहीं करता। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।